भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के कलबगंज में ब्राउन शुगर की तस्करी की सूचना पर 5 थाने की पुलिस ने छापेमारी कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कलबगंज इलाके में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर की तस्करी हो रही है। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने समीर शाह के घर से 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपियों ने ब्राउन शुगर कहां से खरीदा और कहां इसे खपाया जाना था। SSP आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत लगातार छापेमारी भी की जा रही है और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि उन्हें किसी भी स्थान पर मादक पदार्थों की तस्करी की जानकारी मिले तो वह तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दे। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 79 पुड़िया 79 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और 5 मोबाइल की भी बरामदगी हुई है और इस पुलिस पूरे इस मामले की जाँच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है कहाँ से आया था और किनको बेचा जाना था। उस पर पुलिस की काम पुलिस की टीम का काम चल रहा है और आगे भी इसमें अन्य गिरफ्तारी होने की संभावना है। शहर में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत भागलपुर में 22 अलग अलग जगहों पर इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स ECB लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करना है। ECB बॉक्स की मदद से पुलिस अपराधियों पर कड़ी नजर रख सकेगी और त्वरित कार्रवाई भी कर सकेगी। बता दें कि ECB बॉक्स में एक इमरजेंसी बटन होता है जिसे दबाने पर लोग सीधा कंट्रोल रूम से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद कंट्रोल रूम समस्या के अनुसार तत्काल सहायता सेवा मुहैया कराता है। वहीं बॉक्स में लगे कैमरे शहर में होने वाली हर एक गतिविधियों पर नजर रख रही है, जिससे पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में काफी मदद मिलेगी। भागलपुर शहर के लाजपत पार्क, विश्वविद्यालय, तिलका मांझी चौक, शीतलास्थान चौक, गुहट्टा चौक, अलीगंज चौक, कंपनी बाग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, समाहरणालय आदि जगहों पर ECB बॉक्स लगाए गए हैं। DSP ट्रैफिक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था सड़कों पर चलने वाले लोगों को आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस बॉक्स का उपयोग अवश्य करें। दरअसल यह पहल शहर में अपराध कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अभी देखें, स्मार्ट सिटी के तरफ से 20 ECB लगाया गया इमरजेंसी कॉलिंग बॉक्स। इसका मतलब है कि ये आपको या हर पब्लिक को सपोर्ट के लिए है। इमरजेंसी अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना या कोई भी तरह का इमरजेंसी आपको जरूरत समझ रहे हैं कि हमसे मदद की आवश्यकता है, प्रशासन से आप हर तरह का आप मदद ले सकते हैं। एक जैसे 112 है पुलिस के हिसाब से, है ना, तो ये मदद के लिए पब्लिक के लिए। मान लीजिए टाउन में किसी को कभी आप देख रहे हैं कि आपका कोई बाइक ले लिया, कोई छीन लिया, तो वहीं से चिल्ला सकते हैं इस इमरजेंसी कॉल बॉक्स के थ्रू। आप दौड़ेंगे जो 20 मिनट, आप अगर मैसेज यहाँ देंगे तो ICCC कमांड सेंटर में यहाँ कंट्रोल में आएगा और ये तुरंत जो रिलेटेड बॉडी है जिसे पुलिस से जुड़ा हुआ है पुलिस को खबर करेगा। आग लगा हुआ है तो फायर को खबर करेगा। किसी को हॉस्पिटल मन की स्वास्थ्य संबंधी कोई मदद की आवश्यकता है तो तुरंत हॉस्पिटल को कहा जाएगा एम्बुलेंस के लिए फला। तो ये आम पब्लिक को आज के डेट में जरूरतमंद के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। 20 जगह पे है पूरे टाउन में, जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। शहर के किन किन इलाकों में है सर? सभी क्षेत्रों में है। एक्यूरेट तो लिस्ट आपको 20 बताया, जैसे आप 0 माइल है, तिलका मांझी है, खंजरपुर है, मनाली है, कचहरी है, गुरहट्टा है, शीतला स्थान है, यूनिवर्सिटी साइड में है और वो नरगा साइड में है। कुल 20 है, 20। वो तो आप लिस्ट देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन सभी जगह करीब करीब कवर कर लिया गया है जो जहाँ पे आदमी का पॉपुलेशन ज़्यादा है। और कोई से घटना घटती है, कोई आप ज़रूरत समझते हैं, किसी तरह की सूचना हमको देना है। मान लीजिए आपके साथ नहीं घटा, किसी दूसरे के साथ घटा और एक्टिव हैं, आपको सूचना देना है क्राइम हो गया, तुरंत आप कोई मैसेज कर दिए इमरजेंसी कॉल बॉक्स के पास। आप जैसे ही दबाएंगे तो आपका फ़ोटो यहाँ एक क्लिक फ़ोटो आ जाएगा, जो भी आदमी तो किसको क्या ज़रूरत है वो दिख भी जाएगा।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर के बबरगंज थाना भवन के ठीक सामने निर्माणाधीन पानी टैंकी पर काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर लोहे की छड़ लेकर टंकी के ऊपर चढ़ रहा था, इसी दौरान लोहे की छड़ हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिसके कारण मजदूर को तेज करंट का झटका लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं आसपास काम कर रहे मजदूरों ने जब घटना देखा तो उन्होंने लाठी डंडों से मारकर मजदूर को नीचे उतारा, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी टंकी के पास दो दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जो काफी खतरनाक हैं। साथ ही कहा कि अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच में जुट गई है। यहाँ पे काम कर रहा था, हम गए थे गांव में काम करने के लिए। यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है वो बता रहा है कि पाइप लेके ऊपर चढ़ रहा था और 11,000 वाला जो एक ट्रांसफार्मर लगा है इसमें सट गया पाइप, इसके द्वारा इनका ऐसे घटना हो गया है। कहाँ काम कर रहे थे? पानी टंकी। पानी टंकी पे काम कर रहा था सर। नगर निगम का है क्या? हाँ, नगरी निगम का है। क्या नाम था इनका? रोहित पासवान। कहाँ गए? दिग्घी सिमानपुर, झारखंड, थाना में हरमा पड़ता है, जिला गोड्डा पड़ता है। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम पासवान है। कौन हुआ? वो मेरा चाचा का लड़का है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के कटारा पंचायत के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय अनुसूचित टोला कटारा में गुरुवार को मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी पर स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावकों ने स्कूल परिसर में घंटों हंगामा किया। इस दौरान कटारा पंचायत की उपमुखिया सीता देवी ने बताया कि स्कूल में वर्ग 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें करीब 100 से अधिक बच्चे नामांकित हैं, लेकिन स्कूल के प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों को मिलने वाले पोषाहार योजना में गड़बड़ी किया जा रहा है। उन्होंने प्रचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल में मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन नहीं दिया जाता है। उपमुखिया ने बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाया है। वहीं बच्चे के परिजनों ने बताया कि अक्सर इस तरह के भोजन करने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। वहीं स्कूल के शिक्षक एवं रसोईया ने पूछने पर बताया कि प्रधानाध्यापक विंदेश्वरी कुमार घोष के द्वारा जो राशन का सामान दिया गया था उसी के अनुसार खाना बनाया जाता है। वहीं प्रधानाध्यापक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया, साथ ही कहा कि स्कूल में बच्चे अधिक आ जाने पर दाल में पानी मिलाया गया था, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। वहीं उपमुखिया सीता देवी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कुछ नहीं दिया, बैग नहीं दिया, नहीं खाना भी बढ़िया नहीं देता है, ये अंडा भी नहीं दिया है, फल भी डेली नहीं देता है, शुक्र को सप्ताह दो बार फल देने के, भोजन सही से नहीं दिया, नहीं यही शिकायत है। बैग उग भी नहीं मिला है बच्चा। क्या नाम है आपका? कल्पना कुमार। आपका बच्चा पढ़ता है? हाँ। क्या नाम है? यश राज मयंकरा। तो कैसा दाल बना है? पानी के तरह है? बच्चा लोग हमको सर जो देगा पानी वही बनाएंगे। कौन बनाने देता है आपको? सर देते जो हेड। क्या नाम है हेड का? बिंदेश्वर कुमार घोष। बिंदेश्वर कुमार घोष प्रधानाध्यापक है? हाँ। कहाँ है वो? अभी तो BRC मीटिंग में गए हैं। यहाँ बच्चा लोग की पढ़ाई सब? दूसरा सब गया है दीपक सर को। हाँ, सब कुछ गया है। अंडा उंडा बच्चे को नहीं मिल रहा है? देता है। तथा बच्चा नहीं देता अंडा? अंडा तो अगले शुक्रवार को भी दिया गया है। और हमारा चाहक प्रशिक्षण आज था, हम तो चले आए हैं यहाँ
वहाँ दे दिया गया दाल पहले चढ़ जाता है और प्रभार में दिया गया था। अब मतलब बच्चा कम अधिक रहने के कारण हो सकता थोड़ा बहुत पानी दे दिया होगा यही समस्या।